हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप लोग YouTube से किसी वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं और आपका वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप लोग उस वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, लाइव मैं आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो पर आप लोग बने रहिए दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं वीडियो को डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। वेटिंग फॉर वाईफाई टू डाउनलोड, मतलब दोस्तों आप लोग किसी भी म्यूज़िक को डाउनलोड कर रहे हो, मूवी को डाउनलोड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो डाउनलोड नहीं होता है दोस्तों, परसेंटेज से आगे नहीं बढ़ता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपका 20% है तो उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रही है और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही होगी, तो ये प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो पे आप लोग बने रहिए और कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपके सामने लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आपको ये वीडियो को स्किप करके दोस्तों भगा के नहीं देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ये प्रॉब्लम को ठीक करना है। उससे पहले दोस्तों एक मिनट और आप लोग दे दो। दोस्तों ये बात कर रहे हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आती है। तो ये प्रॉब्लम आने का जो रीज़न होता है दोस्तों, वो होता है आपकी मोबाइल की सेटिंग, मतलब कि यूट्यूब की सेटिंग, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न होता है दोस्तों आपकी मोबाइल की स्टोरेज। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि मोबाइल की स्टोरेज तो ठीक ही होती है हमारी, पर हमारा यूट्यूब वीडियो डाउनलोड नहीं होता है। तो क्या करना है दोस्तों, कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लाइव दिखा दे रहा हूँ, मेरा भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा वीडियो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। चलिए कैसे ठीक करना है इसे हम आप लोगों के सामने ठीक करके बताते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि ऊपर में एक बटन दिख रहा है 3 डॉट का, यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब प्रेस करना है, और एक बार सेटिंग पे क्लिक करना। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग जब देखोगे ध्यान से, तो एक बटन मिल रहा होगा आपको, डाउनलोड और वाईफाई ओनली। तो इस बटन को बंद करना है। बंद करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपका जो वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्टार्ट नहीं होता है तो आपको एक काम करना है कि एक वीडियो को 3 डॉट पर क्लिक करना और इसे रिफ्रेश कर देना, मतलब एक बार पाउस कर देना। जैसे पाउस करोगे दोस्तों आपका जो वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ से हमारा वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अगर फिर भी डाउनलोड ना होता तो एक बार फिर से पाउस कर देना, कोई वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ से ये वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। 1% हो रहा है, 2% हो रहा है, मतलब हमारा जो वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो बस इतना ही वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। बाय बाय।